राजस्थान में तीन स्थानों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की है। इनमें पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल हैं। 29 जनवरी को दो लोकसभा अलवर और अजमेर और एक विधानसभा क्षेत्र भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ में उपचुनाव होने वाले हैं। प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने स्टार प्रचारकों की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार के लिए वक्त निकालेंगे, क्योंकि उपचुनाव भले ही दो लोकसभा सीट के हों, लेकिन इनके परिणाम आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, राष्ट्रीय महामंत्री रामलाल और भूपेंद्र यादव, सह मंत्री वी सतीश सहित कई नेता प्रचार करेंगे। इसके अलावा राजस्थान से सीएम वसुंधरा राजे, गृह मंत्री गुलाब चंद कटारी और प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी आदि कमान संभालेंगे। उधर अजमेर, अलवर लोकसभा और मांडलगढ़ विधानसभा उपचुनावों के लिए नामांकन में संपत्ति के ब्यौरे भी भरे गए। दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे में रोचक जानकारियां सामने आई। अलवर से भाजपा उम्मीदवार जसवंत यादव इन 6 प्रत्याशियों में सबसे अमीर है, लेकिन उनकी पत्नी डॉक्टर किरण यादव के पास 1 करोड़ रुपए ज्यादा की संपत्ति है। मांडलगढ़ से भाजपा के शक्ति सिंह हाडा के पास 50 लाख रुपए की लैंड रोवर कार है, लेकिन उनके सामने चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के विवेक धाकड़ के पास चौपहिया वाहन तक नहीं है। बहरहाल, वह अब प्रत्याशी हो या पार्टी हाईकमान के दिग्गज, सभी रणनीति बनाने में जुट गए हैं कि कैसे इस चुनावी समर पर पार पाई जा सके।